सर नमस्ते, नमस्ते। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 kg खेलता हूं सर, और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन खेल लिए थे 2021 से लेके, तो मैंने 16 कंपटीशन खेले सर, जिसमें मेरे 14 में मेडल थे, जिसमें 8 में मेरे गोल्ड थे, ब्राउन सिल्वर, एशियन गेम में भी मेरा सिल्वर था, वर्ल्ड गेम में ब्रॉन्ज था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज था। तो सर मेरा डर निकल गया था, ओलंपिक का इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा खेल लिए थे सर। तो सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा सा प्रेशर था। तो हमारे देवेन भाई साहब झांझड़िया जी भाई साहब ने मेरे से एक बात बोली थी कि अपने को अपना बेस्ट देना है, बोला था कि जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको करना है। और सर मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोरंजन जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ सर बहुत बार ऐसा होता है। तो बस सर के हाथ पकड़ के चलते, हाथ पकड़ के आते हैं, तो थोड़ा बहुत जो दिखता है उसमें अपना काम कर लेते हैं सर। और सर आपका बहुत आशीर्वाद रहा। अच्छा कपिल, उस दिन तुमने मुझे बताया कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज़ आ रही थी। जी सर। तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था, वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। कैसे आपके कोच कहाँ है सर? हाँ ज़रा बताइए, क्या मुश्किल होता है? सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहाँ दिखता तो है नहीं कुछ। तो उस दिन हमारे 7-2 मैट एरिया थे, एक मैट पे हमारी बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हज़ार दर्शक वहाँ थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे। और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा। तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा? जी, वो भी। अब ये डिपेंड करता है कोच टू कोच कि वो, जैसे हमारा इनका टाइप, जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है, तो हम डिफरेंट उसकी जो है सोच में, मतलब कोच को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वही चीज़ हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको, तो क्या बोलेंगे हमारा कहना ये होता है सर, ऐसा ही होता है ना सर। हाँ बोलते कि हम मार दे, तो मैं सर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो जाता। लेकिन टेक्निक का नाम बताते हैं, जो पोजीशन आगे पीछे पाँव की दिखती है तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं। तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं क्योंकि कहाँ पर ऑफ बैलेंसिंग हो रही है, आगे हो रही है पीछे हो रही है, तो वो टेक्निक बताते हैं। तो आप सामने वाले की पोजीशन भी बताते होंगे? जी, बिल्कुल। उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे उसने आगे किया, वेट उसका आगे जा रहा है तो हम आगे वाली टेक्निक उसको मार सकते हैं। हाँ। ऐसे ही अगर उसने पीछे वेट किया या पीछे मूव कर रहा है तो पीछे वाली टेक्निक बताते हैं, और जिससे कि हम उसके पॉइंट लेते हैं। आप जब वहाँ बैठे होते हैं तो आपके भी हाथ पैर हिलते होंगे बहुत ज़्यादा। बस नहीं चलता कि हम लोग भी मैट पे चले जाए। तो कोच सर ऐसा हो रहा था कि सेमीफाइनल में जो रेफरी था, जो मेरे हाथ पकड़ के ले जा रहा था, उनके हाथ खुद धूज रहे थे क्योंकि बड़े मैच में उनको भी डिसीजन गलत दे दिया। जैसे तो थर्ड एम्पायर रहता है पूरा, उसके बाद ही बताया जाता है, पर मेरा डिसीजन बहुत जल्दी दे दिया था रोल करके। वो मेरी भी गलती रही कुछ, सेमीफाइनल में मैं दब गया, पर नेक्स्ट टाइम मैं सर आपसे वादा करता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।